हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड एडवाइस पर स्वागत करती हूँ। मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि मैम, मैं पिछले 2 महीने से या फिर 4 महीने से प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हूँ पर फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। कई बार ये भी सवाल आता है कि मैम, मैंने तो ओवुलेशन पीरियड में ही रिलेशन बनाया पर फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। जब मैं पूछती हूँ कि आपने अपना ओवुलेशन पीरियड निकाला कैसे, तो बोला जाता है कि पीरियड शुरू होने के 14वें दिन को ओवुलेशन पीरियड मानकर हमने रिलेशन मेंटेन किया, जो कि ज़्यादातर केसेस में गलत होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें ओवुलेशन पीरियड का पता होना इतना ज़रूरी क्यों है और आप इसका बिल्कुल सही सही पता कैसे लगा सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन पीरियड का पता होना ज़रूरी क्यों होता है और प्रेगनेंसी कंसीव होती कैसे है। तो महिला की ओवरीज एग रिलीज करती है और वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, इसको ही ओवुलेशन पीरियड कहा जाता है। और एक एग सिर्फ 48 घंटे के लिए ही हेल्दी कंडीशन में रहता है। ऐसे में अगर आप इन 48 घंटे में रिलेशन बनाती हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेल का स्पर्म आकर इस एग को फर्टाइल कर देता है और यहीं से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी ओवरीज ने एग रिलीज कर दिया है या फिर नहीं कर दिया है और आप अपने फर्टाइल पीरियड में हैं, तो आप आसानी से ही प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। ज़्यादातर लेडीज़ को लगता है कि पीरियड के 14वें दिन ओवुलेशन पीरियड होता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपके पीरियड साइकिल पर डिपेंड करता है कि आपका ओवुलेशन पीरियड कब होगा। आजकल पीरियड की साइकिल 25 दिन से लेकर 45 दिन तक हो जाती है, तो ऐसे में ये कहना कि सभी महिलाओं का ओवुलेशन पीरियड 14वां दिन ही होता है, ये गलत होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि आपको ओवुलेशन पीरियड का पता कैसे चलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब ओवुलेशन होता है तो आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। ओवुलेशन से 3 दिन पहले ही आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और ओवुलेशन के 24 घंटे पहले आपके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी बॉडी में इनका स्तर बढ़ गया है, तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन या तो हो गया है या फिर होने वाला है। और इसको सही से जानने के लिए या तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और अपना फॉलिक्यूलर स्टडी स्कैन करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि आपको ये 3 से 4 बार करवाना पड़ेगा, या फिर आप घर पर ही एक किट की मदद से टेस्ट कर सकती हैं। ऐसे में अगर आप घर पर ही टेस्ट करना चाहती हैं तो आपको कौन सी किट लेनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मार्केट में 2 तरीके की किट्स अवेलेबल हैं, एक है डिजिटल और दूसरी है नॉर्मल। और मार्केट में ज़्यादातर किट सिर्फ एक ही हार्मोन को कैलकुलेट करती हैं, जो कि है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता पाती। तो ऐसे में आपको डिजिटल किट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि दोनों हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों को कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे सके। और अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं तब भी आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिल सके। अब अगर आप मेरी राय माने तो आप इनिटो कंपनी की डिजिटल किट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये किट डिजिटल भी है और दोनों हार्मोन्स को कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देती है, जिससे क्या होगा, आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चलिए अगर आप ये किट लेती हैं तो आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बॉक्स में आपको इस प्रोडक्ट में 3 मेजर आइटम मिलते हैं। पहला है एक फर्टिलिटी अडेप्टर, दूसरा है स्मार्टफोन अडेप्टर और तीसरा है स्ट्रिप्स। इसके अलावा आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिलेगा। अब इसके इस्तेमाल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से इनकी ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें आपको आपके पिछले 3 पीरियड्स की डिटेल डालनी होगी, ताकि आपके पीरियड चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, कैसे भी हो, वो उन्हें ट्रैक करके आपको रिमाइंडर दे सके कि आपको टेस्ट कब लेना है। अब जब आपको स्मार्टफोन पर रिमाइंडर आए तो आप सुबह के पहले यूरिन को ले लीजिए। उसके बाद इस अडेप्टर को थोड़ा सा डिप करने के बाद आप इसे स्मार्टफोन अडेप्टर में लगा दीजिए। थोड़ी देर में ये डिवाइस आपको फ़ोन पर ही डिजिटल रिजल्ट दिखा देगा। अब अगर आपका रिजल्ट लो फर्टिलिटी आता है तो आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि अभी आपका ओवुलेशन हुआ नहीं है। और अगर आपका रिजल्ट हाई फर्टिलिटी आता है तो आपको हर अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाना है, क्योंकि इसका मतलब अगले 2 या 3 दिन में आपका ओवुलेशन होने वाला है।
और अगर पीक फर्टिलिटी आता है तो इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन आज हुआ है या फिर होने वाला है, तो आज ही रिलेशन मेंटेन करें। इससे आपको अपना ओव्यूलेशन पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। अब अगर आप ये किट खरीदना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये इस किट की मुझे तीन चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पहली तो है कि पीरियड अगर आपकी इरेगुलर है तब भी ये किट काम करती है। दूसरा ये है कि आपको खुद ही रिमाइंडर दे देती है कि आपको कब ओव्यूलेशन टेस्ट लेना चाहिए। तीसरा है ये ऐप दोनों हार्मोन्स को चेक करके आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट बता देती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो इस किट का इस्तेमाल करके आप ओव्यूलेशन डेट को बिल्कुल सही से ही प्रिडिक्ट कर सकती हैं। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।